नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के प्रमुख खबरों को। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिलने के बावजूद सर्विसेज विभाग के सचिव को हटाने को लेकर विवाद हो गया है। दिल्ली सरकार के सर्विस विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज के दफ्तर से एक अहम बयान सामने आया है। इस बयान में कहा गया है कि मंत्री सौरभ भारद्वाज के आदेश का पालन करने के बजाय सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे ने चुपचाप सचिवालय छोड़ दिया और अपना फोन भी बंद कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे समयबद्ध तरीके से पड़ताल करें कि सभी मंत्रालयों और विभागों में यौन उत्पीड़न समितियों का गठन किया गया है या नहीं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि 2013 के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम को लागू करने में गंभीर खामियां हैं। न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि अनुचित तरीके से गठित यौन उत्पीड़न समिति कार्यस्थल पर जांच करने में एक बाधा होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से जॉब मार्केट में भूचाल आ गया है। हर सेक्टर के लोगों की नौकरी खतरे में नजर आ रही है। जैसे जैसे ऑटोमेशन और मशीन लर्निंग का विकास हो रहा है, नौकरी छूटने की चिंताओं ने हर इंसान को घेर लिया है। एआई के आने के बाद से कई सेक्टर में काम करने के तरीकों में बदलाव आ रहा है, जिस वजह से कई डिपार्टमेंट के लोगों की नौकरियां खतरे में आ रही है। आईओटी फॉर ऑल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर सेक्टर के लोगों की जॉब एआई की वजह से खतरे में आ सकती है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि राज्य का लक्ष्य 2026-27 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है। जापान और जर्मनी से हम बहुत पीछे नहीं है, ऐसे में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हमारे लक्ष्य के मुताबिक है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अगले महीने होने वाले खालिस्तानी प्रोपेगेंडा इवेंट को रद्द कर दिया गया। सिडनी की एक नगर परिषद ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी है। सिख फॉर जस्टिस की ओर से यह कार्यक्रम ऐसे समय में होना था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 मई को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी पहुंचेंगे। बिहार में बगैर निबंधन संचालित कोचिंग संस्थानों की मुसीबत बढ़ने वाली है। संस्थान के मनमाने ढंग से छात्रों से फीस वसूलने और बुनियादी सुविधाओं के नहीं मिलने के मामले में अदालत ने सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। अब इस मामले में पटना कोर्ट में 4 जुलाई को सुनवाई होगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को मोतिहारी जिला के अरेराज जितवारपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार अविश कुमार और महागठबंधन के गोविंदगंज विधानसभा के प्रत्याशी ब्रजेश पांडे के मां की श्राद्ध क्रम में उपस्थित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उन्होंने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। दिल्ली में मुख्यमंत्री, केंद्र और उपराज्यपाल की शक्तियों का सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने बंटवारा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के कई आईएएस अधिकारियों पर गाज गिरने की अटकलें हैं। पहले बड़े अधिकारियों के अदला बदली की बात कही जा रही है। आदेश आने के बाद गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सेवा सचिव आशीष मोरे को हटा दिया। हालांकि गृह मंत्रालय से मोरे को हटाने की मंजूरी नहीं मिली है। केजरीवाल सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है और अदालत में गुहार लगाई है। पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के विरोध और धमकियों के बीच होने जा रहे G20 सम्मेलन में लगभग 6 विदेशी एनजीओ के अलावा देश के लगभग 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 12 पर्यटन सचिव भी कश्मीर आ रहे हैं। बता दें कि G20 समूह का सदस्य न होने के बावजूद 6 राष्ट्रों के प्रतिनिधि भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि G20 सदस्य राष्ट्रों के पर्यटन कार्य समूह का 3 दिवसीय सम्मेलन 22-24 मई 2023 तक यहाँ डल झील किनारे स्थित शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विकसित देशों को जीडीपी से आंकड़ों से बाहर निकलकर विकासशील देशों की मदद करने और लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान देने की सलाह दी है। सीतारमन ने जापान के निगाता शहर में G7 समूह की एक संगोष्ठी में कहा है कि प्रौद्योगिकी की मदद से गरीब व्यक्ति के लिए बाजार एवं बुनियादी सेवाओं तक पहुँच का रास्ता आसान बनता है। डिजिटल संपर्क तक पहुँच होने से लोग सशक्त हुए हैं। ऐसे में विकसित देशों को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक वृद्धि दर के आंकड़ों पर नजर रखने के बजाय डिजिटल संपर्क को बेहतर कर लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में 1980 में हुए दंगों की रिपोर्ट को योगी सरकार सार्वजनिक करेगी। दंगे की जांच के लिए बनी जस्टिस सक्सेना आयोग की रिपोर्ट को योगी सरकार विधानसभा पटल पर रखेगी। बता दें कि 3 अगस्त 1980 को ईद की नमाज के दौरान यह दंगा भड़का था। आपके पीएफ खाते में कितना पैसा है या कितना ब्याज का पैसा ट्रांसफर किया गया है, यह जानने के लिए आपको इंटरनेट या मोबाइल डेटा की जरूरत नहीं है। ये काम आप बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने मोबाइल के से एक मिस्ड कॉल या SMS करना होगा, जिसके तुरंत बाद आपको अपना बैलेंस पता चल जाएगा। IPL 2023 KKR वर्सेज RR के 56वें मैच में यशस्वी जायसवाल नाम का एक तूफान आया है, जिसने KKR के गेंदबाजों को संभालने का कोई मौका नहीं दिया। 21 साल के यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 13 गेंदों पर 50 जरकर इतिहास रच दिया और 47 गेंदों पर
98 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके बाद सोशल मीडिया के जरिए देश विदेश से जायसवाल के लिए ट्वीट्स आए हैं। वहीं बीसीसीआई सचिव जायसवाल ने भी एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसे देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जायसवाल को जल्द ही टीम इंडिया से बुलावा मिल सकता है। जम्मू और कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण ने डल झील की चल रही सफाई के दौरान पहली बार एक दुर्लभ मछली की खोज की है जिसे मगरमच्छ गार मछली कहा जाता है। मगरमच्छ जैसे सिर और रेजर नुकीले दांतों के लिए जाने वाली यह मछली एलिगेटर गार मछली उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है। जम्मू और कश्मीर झील संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसंधान और निगरानी विभाग के एक विशेषज्ञ मसूद अहमद ने कहा है वे मत्स्य पालन और स्कास्ट के मत्स्य विभाग की मदद से खोजी गई मछलियों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने सारा अली खान को लेकर कट्टरपंथियों के द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी जताई है। सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में जाने को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सारा अली खान एक एक्टर है, एक्टर का काम होता है मंदिर में जाना, वह उनकी अदाकारी है। उन्होंने कहा कि सारा अली खान के मंदिरों में जाने से मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, वह उनका अपना जाति किरदार है। चीन पर परोक्ष हमला बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा है कि जब राष्ट्र कानूनी दायित्वों की अवहेलना या लंबे समय से चले आ रहे समझौतों का उल्लंघन करते हैं तो भरोसे को भारी नुकसान पहुंचता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित हिंद महासागर सम्मेलन के छठे संस्करण को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा है कि हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझा चिंता गैर व्यवहार्य परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई जोन के चीफ रह चुके समीर वानखेड़े को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करना भारी पड़ गया है। 2 साल पहले समीर वानखेड़े ने क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। अब समीर मुश्किल में फंस गए हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यहाँ तक कि बीती शाम को सीबीआई ने उनके घर पर छापा भी मारा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि आगे जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ हम कर्नाटक की तरह चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। अभी कर्नाटक के विधायकों की बैठक होगी, वहीं मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनेगी, उस नाम को हाईकमान के सामने रखा जाएगा, हाईकमान अंतिम फैसला लेगा। कर्नाटक के चुनाव परिणाम पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार ने कहा है कि जनता ने अच्छी सीख दी है, खोखे की राजनीति जनता को पसंद नहीं आया, आज का रिजल्ट अगले चुनाव का चित्र साफ कर रहा है। पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर ने मुंबई क्राइम ब्रांच में इंटरनेट पर चल रहे फेक विज्ञापनों में उनका नाम, फोटो और आवाज़ का इस्तेमाल होने को लेकर मामला दर्ज करवाया है। तेंदुलकर की ओर से दर्ज मामले में कहा गया है कि उनके नाम, इमेज और आवाज़ का इस्तेमाल करके लोगों से ठगी की जा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में आज सुबह आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। सेना के सूत्र ने बताया कि पाकिस्तानी पक्ष की ओर से घटनास्थल के ऊपर एक क्वाड कॉप्टर उड़ाने की कोशिश की गई लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों के एक्शन के बाद वापस चले गए। हाल ही में फ्लिपकार्ट बिग सेविंग्स डे सेल खत्म हुई है। 4 मई से शुरू हुई यह सेल 10 मई तक चली जिसमें विभिन्न प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर और डिस्काउंट मिल रहे थे। हालांकि फ्लिपकार्ट कई प्रोडक्ट्स पर सेल फीस चार्ज ले रहा था, कई यूजर्स इसे लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसके बचाव में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने कहा था कि एक कदम प्रोडक्ट्स की सिक्योर डिलीवरी के लिए उठाया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत पर प्रदेश की जनता और अपने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए शनिवार को कहा है कि दक्षिण भारत के इस राज्य में नफरत का बाजार बंद हो गया है और मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। उन्होंने यह दावा भी किया कि कर्नाटक की गरीब जनता की शक्ति ने साठ गांठ वाले पूंजीवादियों की ताकत को हरा दिया है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के अगले ही दिन शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने 11 माह पुरानी एकनाथ शिंदे नित राज्य सरकार को शुक्रवार को असंवैधानिक बताया तथा दावा किया कि यह 3 माह में गिर जाएगी। संजय राउत ने कहा कि बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महत्वपूर्ण बातें कही तथा सियासी संकट के चलते तत्कालीन राज्यपाल बीएस कोश्यारी एवं विधानसभा अध्यक्ष में आचरण में खामी पाई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर राजभवन के हेलीपैड पर उतारा गया है। शिंदे के साथ उद्योग मंत्री उदय सामंत और मंत्री संदीपान भुमरे भी मौजूद थे। ये सभी नेता सतारा जिले में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छत्तीसगढ़ में ईडी ने रायपुर और भिलाई में छापेमारी की है। छापेमारी के बाद सीएम भूपेश बघेल तंज कसा है, उन्होंने ईडी को भस्मासुर तक कह दिया। सीएम बघेल ने कहा है कि जैसे भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था वैसे ही ईडी को मिला वरदान है, या किसी दिन ईडी की वरदान देने वालों के पीछे ही ना पड़ जाए, जो अति है उनका अंत होना तय है, पाप का घड़ा अभी बचा है, जैसे ही लबालब होगा छलकेगा। बॉलीवुड और पॉलिटिक्स की दुनिया के सबसे चर्चित कपल राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा जल्द ही शादी में बंधने की प्लानिंग कर रहे हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का घर भी लाइटों से जगमगाता नजर आ रहा है। तो वहीं बहन परिणीति की सगाई अटेंड करने के लिए प्रियंका चोपड़ा भी भारत लौट रही है। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। एक ब्लॉगर ने प्रियंका चोपड़ा को लंदन एयरपोर्ट पर स्पॉट किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रेबिज भूषण सरन के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से बीजेपी और केंद्र सरकार दोनों की ही किरकिरी हो रही है। पहलवानों के इस प्रदर्शन को जहां विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है, तो वही भारतीय जनता यूनियन समेत कई संगठनों और संस्थानों के अलावा आम जनों का भी समर्थन मिल रहा है। अब इसमें उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत पालम 360 गांव भी शामिल हो गई है। कर्नाटक के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने आगे कहा कि इनके प्लान बी का मतलब है खरीद फरोख्त। इनके पास उद्योगपतियों का दुनिया भर का पैसा है। अडानी का 20,000 करोड़ जिसका कोई अता पता नहीं है, उसमें से ये 1,000 करोड़ खर्च कर भी देंगे तो भी इन्हें कर्नाटक में कोई सिंधिया नहीं मिलेगा। यहाँ मजबूत कांग्रेस ही है। बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति के अंतर्गत में आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के समक्ष रणथंभौर नेशनल पार्क में लगातार हो रही बाघों की मौत के मामले को लेकर वन विभाग के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन किया गया और बाघों की मौत की जांच सीबीआई से करवाने रणथंभौर बाघों की मॉनिटरिंग व ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने की मांग की गई है। बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति के सदस्य नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा है कि रणथंभौर नेशनल पार्क देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजय चौधरी, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, एमडी साकिर हुसैन, नुन्नू गोलू कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, कई बार सोशल मीडिया से ठगी के मामले सामने आते हैं, इससे बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।